वेल हेलो गाइस, व्हाट आर द कम्यूटेटर सब ग्रुप। देखो, सब कम्यूटेटर एलिमेंट क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप हम उसको बोलते हैं जब कोई भी सब ग्रुप जो है ना कम्यूटेटर एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो। ठीक है, जैसे हमने डेल्टा जी एक्चुअली मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, बट यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक हम कम्यूटेटर सब ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ग्रुप है और उसका नाम है जी। ठीक है, और ये ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इस ग्रुप के पास कोई कम्यूटेटर सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उसका नाम होता है डेल्टा जी। आप सबने ऑलरेडी पढ़ चुका है, या फिर इसको जी डैश के नाम से भी जानते हैं। डेल्टा जी लिख दीजिए, जी डैश लिख दीजिए। और ये एक्चुअली बनता है कि इसका जो हर एक एलिमेंट होता है वो कम्यूटेटर एलिमेंट डिफाइन होता है। यानी कि ए कॉमा बी अगर इसके अंदर है तो वो एक कम्यूटेटर एलिमेंट है। यानी कि जी के जितने भी कम्यूटेटर एलिमेंट होंगे वो सारे डेल्टा जी के पास होंगे, इसलिए इसको कम्यूटेटर सब ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, बट अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट है। वो ये है कि मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि एक H है और एक है दोस्तों K। अगर P हॉल लेमा हम पढ़ेंगे तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। H एंड K आर द टू सब ग्रुप ऑफ G, आर टू ये सिंपल सब ग्रुप है। ठीक है, आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G। तो मान लिया मैंने कि H और K दो सब ग्रुप हैं G के। अगर मैं इन H और K का एक कम्यूटेटर डिफाइन करता हूं इस तरीके से H, K, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जनरेट करने वाले कुछ कम्यूटेटर एलिमेंट होंगे जिसमें से एक एलिमेंट H होगा और एक एलिमेंट K का होगा। और इसका मतलब जो H होगा वो कैपिटल H से लिया गया होगा और जो K होगा वो कैपिटल K से लिया गया होगा। तो ये मेरे पास कम्यूटेटर एलिमेंट डिफाइन हो गया, एक सब ग्रुप बन गया, दोनों सब ग्रुप हैं और दोनों सब ग्रुप को मिला के कम्यूटेटर बना दिया। यानी कि इन दोनों में से एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, ये दोनों मिलके कम्यूटेटर एलिमेंट बना रहे हैं, इसलिए H, H, K डिफाइन हुआ है। ठीक है ना, अब ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है और ये सिंपल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इज अ कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप। और ये जनरेट किससे हो रहा है, एच और के से। और आप इसको एच और के, एच किसका है, कैपिटल एच का, के किसका है, कैपिटल के का। तो आप लिखोगे कम्यूटेटर सब ग्रुप जनरेटेड बाय कैपिटल एच एंड कैपिटल के, इससे जनरेट हुआ है, कैपिटल एच एंड कैपिटल के से जनरेट होकर ये कम्यूटेटर सब ग्रुप बना है। यानी कि ये दोनों को मिला के एक सब ग्रुप बना सकते हो। यानी कि आप इसको अब बोल सकते हो कि ये आपका जी डैश है। ठीक है, ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है एक टाइप से। हाँ, अगर आप ये सिंपली बना रहे हो तो इसका मतलब सिंपल इतना है डेल्टा जी का कि इसका हर एक एलिमेंट अपने आप में कम्यूटेटर एलिमेंट होगा। यानी कि अगर आप ये ए लिख रहे हो तो ये ए किसके बराबर होगा, ये कोई ना कोई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, यानी कि ऐसे दो एलिमेंट का कम्यूटेटर है ये। ठीक है, तभी तो ये जी डैश में या डेल्टा जी के अंदर जा रहा है, बात समझे। यानी कि इसका हर एक एलिमेंट एक कम्यूटेटर एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली बी भी कोई ना कोई कम्यूटेटर ही है ये। तो ये कम्यूटेटर सब ग्रुप बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। बट यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि एच और के अगर दो सब ग्रुप होते हैं तो उनका भी अगर आपको कम्यूटेटर बनाना है, ऐसे एच कॉमा के आपको लिखा हुआ मिलेगा, आगे थोड़ा हम पढ़ेंगे, तो हम ऐसे बना सकते हैं। और सिमिलरली अगर एच के बनाया तो फिर के एच भी तो बन सकता है ना, आप के एच को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी जनरेट कौन कर रहा होगा, स्मॉल के एंड स्मॉल एच, ऐसे दो एलिमेंट जनरेट कर रहे होंगे इसको कोई कमा। और बता रखा होगा कि जो के है जी वो कैपिटल के का है और जो एच है जी वो कैपिटल एच का है। तो ये भी एक कम्यूटेटर सब ग्रुप बन गया ना। और एक इम्पोर्टेंट चीज इस इनको लेके वो ये है, एंड वी नो दैट और यू हैव टू बी रिमेंबर के आज ये जो एच कॉमा के बनेगा, जो कम्यूटेटर सब ग्रुप बना है, या आप बनाइए के कॉमा एच, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बोथ आर ऑलवेज इक्वल। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं गया है, और प्रूफ इसका वैसे बहुत इजी सा है, बट फिलहाल हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बट आपको पॉइंट ये है
कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिफाइन कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको और ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मान लीजिए ये एच कॉमा के है या के कॉमा एच है, ठीक है। मान लिया मैंने ये है एच कॉमा के और ये क्या है कॉमुटेटर सब ग्रुप है। अब इसके पास है क्या एक्चुअली, इसके पास दोस्तों ऐसे एच वन कॉमा के वन एक कॉमुटेटर एलिमेंट है, फिर एच टू कॉमा के टू दूसरा कॉमुटेटर एलिमेंट है, यानी कि इस तरीके के बहुत सारे कॉमुटेटर एलिमेंट इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअली ये जो पूरे का पूरा सेट है, ये पूरे का पूरा जो सब ग्रुप है, ये जनरेट हो रहा है किससे, एच और के से, और वो एलिमेंट किसके हैं, एच और के, कैपिटल एच और कैपिटल के, ओके। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप। और अभी तक आपने सिर्फ कम्यूटेटर एलिमेंट को ऐसे लिखा हुआ पढ़ा था कि सर ए कॉमा बी, तो आपने जरूर पढ़ा था कि ए कॉमा बी ऐसे अगर लिखा हो तो सर इसको ऐसे ओपन करते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स ए और बी। बट अगर आपको कैपिटल एच कॉमा कैपिटल के ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो इसको ऐसे ओपन नहीं कर देना, क्योंकि ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है, इसके एलिमेंट ओपन होंगे आगे, ठीक है। वो बाकी आगे आके आपको आगे समझाऊंगा कैसे चीज़ें हमें हैंडल करनी है। फिलहाल इतना ही देखिए।